नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कहाँ दोस्तों BS6 में कहाँ तेल फ्यूल इंजेक्टर दिया रहता है। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आपने दोस्तों BS6 इंजन लिया होगा तो BS6 में एक खासियत दोस्तों, इसमें आपको आधा लीटर पेट्रोल रखना आवश्यक रहता है। और दोस्तों ये देखिए, हमने मॉडिफाई करवा के स्विच बनाया क्योंकि इसमें स्विच कोई नहीं दिया था, डायरेक्ट था इसका लाइट। और दोस्तों यहाँ देखिए, पुराने गाड़ी में देखते होंगे कि यहाँ फुल इंजेक्टर दिया रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है क्योंकि BS6 है। अब जितने भी नए गाड़ी दोस्तों, होंडा की चाहे किसी भी कंपनी की गाड़ी हो दोस्तों, उसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल वो जो रहता है स्टार्ट करने वाला नहीं दिया जाता, डायरेक्ट इसमें क्या दिया जाता है। तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर यहाँ से आया रहता है अंदर की ओर से। और दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, जो देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, यहाँ दोस्तों यहाँ से फ्यूल व्यूल आता है और दोस्तों डायरेक्ट इंजन के थ्रू इंजन में जाता है और दोस्तों डायरेक्ट ही आपको स्टार्ट करके देते हैं। इसमें ये इसकी खासियत है दोस्तों, इसमें आधा लीटर पेट्रोल रहना ज़रूरी है, नहीं दोस्तों स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। दोस्तों इसमें डायरेक्ट सिस्टम दे दिया दोस्तों, वाकई बहुत सुविधा दे दिया। लेकिन दोस्तों एक इसकी हानि भी, क्योंकि इसमें चौंक वोंक वगैरह वगैरह कुछ सीन नहीं दिया रहता। पुराने गाड़ी में दोस्तों चौंक दे दिया रहता था, लेकिन इसमें चौंक वोंक करने सिस्टम ही हट गया गाइस, आप इसमें अब चौंक का कोई यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों ये बहुत खासी बात है, आपको कैसा लगता है दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये ऐसा BS6 की गाड़ी आपको कैसा लगता है तो हमें कमेंट करके वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों इसका ये बेनिफिट है दोस्तों BS6 के, दोस्तों कंप्यूटर पर आपकी पूरी जानकारी दिख जाती है, यहाँ से कनेक्ट करने पर कंप्यूटर में उनको दिख जाता है कि क्या आपके इंजन में ख़राबी है, क्या ख़राबी नहीं है, इसकी ये खासियत है। इसलिए दोस्तों जब भी गाड़ी ले दोस्तों, आप एक बार चेक करके ही लें कि फ्यूल इंजेक्टर इसका अच्छे तरीके से काम, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें, उसके बाद ही आप गाड़ी परचेस करें था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ गाड़ी में दोस्तों कुछ खराबियां होती हैं, इसलिए दोस्तों आप एक बार जांच परख के गाड़ी लें क्योंकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा।